वहीं राजस्थान के कोटा में लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। खातोली क्षेत्र में मध्य प्रदेश सीमा पर नाकाबंदी शुरू करके संदिग्ध लोगों पर पुलिस निगाह रख रही है। ग्रामीण एसपी करण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों मध्य प्रदेश सीमा अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया है, जो कि अवैध गतिविधियों पर नजर रख आने जाने वाले पर निगाह रख रहा है। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत काफ़ी सारे जो अपराधी हैं, जिस जिनमें हार्ड कोर हैं, एचएस हैं या लगातार क्राइम करने वाले जो हैं, उनके ऊपर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान हमारे आईजी साहब के निर्देशन में हम लोगों ने अभी कल एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई की थी, जिसमें काफ़ी पुराने जो लोग वांटेड थे उनको हमने अरेस्ट किया है, जिसमें कई सारे स्टैंडिंग वारंटी, अरेस्ट वारंटी लोग थे और कई मुकदमों में वांछित चल रहे थे, उनको हमने अरेस्ट किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? लोकसभा चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है, तो उसके देखते हुए हम लोगों ने जो हमारे इंटर स्टेट नाके हैं, 6 नाके हमारे जिले के साथ लगते हैं, जिसमें एमपी की सीमा लगती है श्योपुर और उन जिलों पर, हम लोगों ने वहाँ पर नाकेबंदी शुरू कर दी है और कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार आने जाने वालों को हम लोग चेक कर रहे हैं, किसी तरह की शराब या डोडा पोस्ट, अफीम, इस तरह की चीज़ों का आना जाना ना रहे, उसके ऊपर हम लगातार निगरानी रख रहे हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।